करके चेक कर दिया। रुक जा सर, संजू चाचा जी, चाचा जी मत बोल, ये बता हरामखोर। हरामखोर? अरे सही बोल रहा हूँ मैं, ये बता तेरी दोनों बीवियों ने क्या हुड़दंग मचा रखा है। ताऊ जी अब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को यहीं छोड़कर और मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। पूछिए क्यों? क्यों? मेरी जिंदगी तबाह कर दी है चाचा जी। जिंदगी तबाह कर दी? उसकी सुनता हूँ तो वो बुरा मानती है और उसकी सुनता हूँ तो वो बुरा। और आपके पोते ये क्या नई भसड़ फैला के गए मेरे घर पर? क्या बताने की जरूरत थी कि मैं छोटी वाली बीवी के साथ दूसरी वाली के साथ रोमांस करने गया? मेरे पोतों के बारे में मत कहना, मेरे पोते बहुत शरीफ है। शरीफ है? दोनों निहायत ही कमीने हैं। वो सिगरेट पी रहे थे, बताया आपको? सिगरेट पी रहे थे मेरे पोते? हाँ। ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे जैसा हाल हो जाएगा, जैसे अब तुम थूक सब फेंकते फिरते हो ना, वही हाल उनका होना है। हाँ ऐसे ही मरेंगे वो इस खांसी, कुत्ते वाली खांसी के साथ। चुप कर हराम को, ये बता मेरे पोते अगर सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें रियायती वाली क्या बात है? रियायती वाली बात है? इतने से देखे थे मैंने आपके पोते, अब इतने बड़े हो गए, अगर कल परसों उनकी शादी हो गई तो अब वो सारे शौक करेंगे। शादी हो तो गई, कार्ड नहीं देने आया था, कितनी बार शादी कराएगा उनकी? कार्ड देने आए थे, मैं यही तो कह रहा हूँ, शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि किसी की इज्जत रखेंगे या नहीं। अरे वो रख रहे हैं। मैं जा रहा था निकल के तो मेरे मुँह पे धुआं और मार दे। अबे जन, मेरे पोता में कारस्तानी मन निकाले, मैं बताना हूँ तेरे, लठ मारूंगा। तो ऐसा है, तुम तीनों ने मिलकर जायका खराब कर रखा है इस गाँव का, और मोहल्ले वाले कहते हैं इनको भगा यहाँ से। ऐसा कर, सुन, अपनी दोनों पत्नियों को लेके और तू यहाँ से इस गांव को छोड़ करके कहीं दूर जाके बसो। क्यों चला जाऊं? क्यों चला जाऊं? क्यों? ये मेरी जमीन नहीं है, जमीन इस पर पैसा खर्च नहीं किया, ये मकान बना के इतना बड़ा खड़ा किया है किस लिए किया है? अपना रहने के लिए। और मेरी बीवियां हैं, लड़े झगड़े मरे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक दूसरे को मार के वो फांसी पर चढ़ जाए, लेकिन उनको लेकर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और सुनिए, अभी तो जायका खराब किया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी खराब कर दूं मैं। अगर मेरी दोनों बीवियों की तरफ आपने उंगली उठाई समझ लीजिए आपकी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं अपनी दोनों बीवियों से बहुत प्यार करता हूं। सीधे खड़े हो जाइए, अपने पोतों से शिकायत करूंगा। कर देना पोते से शिकायत, मेरी गुइया की जड़ उखाड़ ले वो दोनों। रुक जा, मेरे पोते ही उखाड़ लेंगे गुइया की जड़। रुक जा, मैं अपने पोतों से कहूंगा। रुक जा चाचा जी। तू यहाँ क्या करने आई है? अरे वो चाचा जी, मैं अपने पति के बारे में पूछने आई थी, वो दो दिन से घर नहीं आए। तेरा पति अंदर बैठा हुआ है? है कि यहाँ पे यहाँ पति है तेरा? आप तो पास में ही रहते हो हमारे, आपको तो पता होगा वो किधर गए, कहीं आपने देखा हो। अरे मर गया होगा ससुरा। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हो आप? हैं सही बातें कर रहे हैं? मेरे पति के बारे में ऐसे बोल रहे हो? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, देख मेरी उससे हो गई लड़ाई झगड़ा, सुन ले, उसने मेरा गरीबान पकड़ा। मेरा गरीबान पकड़ा तो पकड़ा कैसे, मेरे दोनों पोते उसे ढूंढने के लिए निकले, वो यहाँ मिल जाएगा, वहीं उसकी चटनी कूटेंगे बढ़िया तरीके से। क्या तुमने अपने दोनों पोते मेरे पति के पीछे लगा दिए? बिल्कुल लगाए, और क्या, अब देखना तो वो तो गीदड़ की तरह मुंह चबा के भाग रहा है। ताऊ जी देखिए, ये मजाक का वक्त नहीं है, वो सच में दो दिन से घर नहीं आए हैं। तो मुझे क्या पता, वो गया होगा उस मर्दानी औरत के साथ। वो तो घर पर है। क्या नहीं गए उसके साथ? घर पर है? हाँ। मतलब वाकई में चला गया तेरा पति? सच में। बताओ भाई, चला गया, कब से नहीं आया? बहुत टेंशन हो रही है, दो दिन हो चुके हैं। दो दिन हो गए? हाँ। और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उसने तीसरी शादी ना कर ली हो। क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाप को भी जानता हूँ, लड्डू प्रसाद को, उसने भी तीन तीन शादियां की थी। क्या? हाँ क्या नहीं, हाँ हम दोनों को छोड़ के तीसरी तो नहीं कर ली गई? बता नहीं, तुम्हारी जिंदगी तो बेटा खत्म है, क्योंकि जमीन जायदाद तो तुम लोगों के नाम है नहीं, उसके नाम है। उसने अगर तीसरी वाली का नाम कर दिया तो तुम धक्के मार के निकाल जाओगे घर से। सही कह रहे हो चाचा जी, लेकिन चाचा जी अब मैं करूँ क्या? कुछ मत करो, घर जाओ और आराम से सो जाए। घर जाऊ? लेकिन बेटा है नहीं यहाँ पर, तू जा। लेकिन पता तो पढ़ना चाहिए ना। अरे वो है कहाँ पर? ये पुलिस स्टेशन है। अबे जाओ पुलिस में उसका वो कराओ, है कहा वो पुलिस ढूंढेगी उसे, हम कौन होते भाई, हमसे तो लड़ाई होगी, उसने हमारा गलेवान कैसे पकड़ा तो पकड़ा कैसे, हमारा गलेवान पकड़ेगा वो, हमारा गलेवान पकड़ेगा। जा। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। ठीक है, सच में नहीं पता, जैसे कहे सारी सरज लगती है मेरे से, झूठ बोलूंगा मैं, मुझे पता है। कहां से चले आते हैं ये लोग? तू ये खाने से लग रही है तो? अरे वो दो दिन से घर नहीं आए,
तुझे जितना बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही तुझे? अरे आ जाएगा। आ जाएगा? तू इतनी फिक्र मत कर उसकी, उसे मुझे पता है। फिक्र ना करूं? तो क्या करूं, घर में बैठ जाऊंगा आराम से, तुझे क्यों चिंता रहेगी? बस तुझे तो खाने से मतलब है, तुझे पता है मैं चाचा जी के पास से आ रही हूँ। क्यों गई थी उस बुड्ढे खूसट हरामी के पास? क्या जरूरत है तुझे जाने की? क्या लगता है वो तेरा? पूछने गई थी, क्या पता उनको पता हो, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता। पता क्या कह रहे थे? कहीं उसने तीसरी शादी तो नहीं कर ली? हाँ, क्योंकि जो हमारे ससुर है ना, उन्होंने भी 3 शादियाँ करी थी। ऐसा तो नहीं हम दोनों को छोड़ के कर ली हो तीसरी शादी? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। जब से तू इस घर में आई है ना, जब से बुरा ही बुरा हो रहा है, सच बताऊं। हाँ, मेरे आने से बुरा हो रहा है। अब करूँ तो करूँ क्या, उस हरामखोर को कहाँ ढूंढूं, सुहरसे को? वही तो, पहले सामने तो आ जा, तभी तो पता चले। आ जा एक बार, मैं उसकी टांगे ना तोड़ी ना मेरा भी नाम मंडू नहीं। अरे टांग तो तब तोड़ेगी जब वो आएगा। एक ही आदमी बता सकता है। कौन? चाचा, क्योंकि उसके पोते उसी के पीछे घूमते। अरे वो तो बता रहा था, लेकिन वो तो मना कर रहा है कि मिला नहीं। अच्छा, हाँ एक बार मैं पूछ के देखता हूँ। तेरी मर्जी। तू एक काम कर, खड़ा लगा रास्ता छोड़ मेरा, काहे को तू दीवार बन के खड़ी हो जाती है। ठीक है ठीक है। और सुन, घर में बर्तन बड़े हो ना, धो ले जाके, चल काम कर ले थोड़ा, आ रही हूँ मैं अभी। कर लूंगी। ओ बुड्ढे हरामखोर, बाहर निकल, आज तेरे ना कुत्ता बनाऊंगी मैं, रोज अपने पति का बना देती है। मुझे पता है मर्दानी औरत खड़ी हुई है। हाँ मर्दानी, मर्दानी को तो तू मेरा वो लगे ना दोस्त। हाँ? है? दोस्त लगा? देख कब मरेगा तू ये बता दे। देख तू जाला मत बोले। मेरा पति का ही ये बता। मेरा पति का ही ये बता। मेरा पति का ये बता। पति? क्योंकि तूने अपने पोते उसी के पीछे लगा रखे हैं। मेरा पति बता दे, बता रही हूँ, वरना पिछवाड़े पे ऐसी लटिया घुमाऊंगी ना। ज्यादा मत बोलो, बता रहा हूँ तुझे मैं। डाइन कहेंगे? डाइन? अरे जिस दिन ये डाइन तेरी छाती पे बैठ गया, बुड्ढे लेके जाएगी तुझे। चुड़ैलिया बन के हमारे गाँव में बसी पड़ी है। चुड़ैलिया बन के? अरे मेरे पति ने, मेरे पति को तूने ही मजबूर किया था दूसरी शादी करने में। बुड्ढे मरा क्यों नहीं? सड़ी हुई प्याज, सड़ा हुआ टमाटर की तरह तेरी शक्ल हो रही है। चुप रह, ज्यादा मत बोले, बता रहा हूँ डंडा कर दूंगा मुंह में तेरे। मेरे मुंह में डंडा करेगा? मैं तेरे खोपड़ी में डंडा ऐसा मारूंगी तेरा तरला सा खुल जाएगा। बाल खोल खोल के आगे डायनो की तरह। ओए मेरे बालों से हाथ मत लगा सड़ी हुए गटर। रुक जा, बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत मारूंगा मैं। मार के दिखाइयो, आ जा 376 ने लगवाई ना तेरे ऊपर भी। और बुला अपनी उस बहू को, ज्यादा वो ज्यादा चबट चबट मचाती है ना, बुला। मेरे बहू को मत कुछ बोले। अरे कहाँ गई, आ जा बाहर निकल के, इस बुड्ढे में मिट्टी का तेल झड़क के आग लगाऊंगी। डायन कहेगी? हाँ, खसम छोड़ के बैठ के ससुर के साथ ना जाए, संबंध बना के रहती है। अच्छा न कम बोलिए, ठीक है ना? इन्हीं के लिए रह ले, इसी के लिए तू रह ले। फोटो पे हाथ चढ़ जाएगा, 4 दिन बाद मरता भी नहीं है। अरे तेरे ऊपर चढ़ा देंगे, हार मैं तेरे ऊपर चढ़ा रही हूं। चढ़ा रही, मर भी नहीं जाता, ये टीबी हो रही है, कैंसर हो जाए तुझे, तू मरता क्यों नहीं है बुड्ढे? बहू मैं जरा सिरप पी के आया हूं। ससुर की गलतियों पे ऐसे पर्दा डालती है? और मैं डालूंगी ना पर्दा, और तेरे ऊपर पर्दा डालेंगे। बता, चल आ जा यहां से, लात मारूंगी। चलिए मार लूंगी लात, बुड्ढे में लात मारे मारे। बता तेरा आदमी में कौन सी कमी थी, बुड्ढे अपने ससुर के लिए रह रही है? तेरे आदमी में कौन सी कमी है, तो दो दो करते हो, मैं कौन सी कमी, तो दो दो करके लाया हो। अरे यही तो कह रहे हैं, इकट्ठा सी खूब तब कर लाया दूसरी। अरे इसी वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे कर्म फूटे, उसे मैं कुत्ते की तरह धोती हूँ। जब तो तेरे आदमी ने तुझे छोड़ रखा है, तेरे ससुर ने ऐसी रोएगी, ऐसी रोएगी। आया ना बस सौत लगू, मेरी सौत लाके उसे कुत्ते की तरह धोती हूँ मैं। अच्छा ऐसी धोकर वाला तो मेरे आदमी की लगाम तो मेरे बस में है, और मेरी सौत भी मेरी इस मुट्ठी में है। Yeah.
निकल मुझे चाय बना के दे, इसलिए तो मेरी खोपड़ी खाली कर दी बहू। तुम पिताजी कई दिन तक बुलबुल मारते हैं, तो है ही तेरे खानदान की। मुझे नहीं पता था इतनी चांद डालनी है, अपने ऊपर आ जाए तो मैं भी लड़ने में कब नहीं पड़ा। चांद डाली का रूप आया तो इनके अंदर। बस बहू मुझे चाय बना, चलो चाय बनाऊ। चलो खाना तो बना नहीं होगा अभी, बना लो। तुम भी ना लड़ने पहुंच गई। सही किया तो तू आ गई जो मुझे ले आई, वरना उसका मर्डर कर देती, खून करके आती। अरे यहाँ तुझे जाना पड़ता। लेकिन अच्छा, यहाँ हमारा पति गायब है, बस तुझे लड़ने की मची है ना। वो है कहाँ सुहर? आज उसका सुहर पता कहाँ है? वो कमीना कुत्ता सुहर, हराम खोर मिल तो जाए मुझे। क्या करे, लेकिन चिंता तो मुझे भी हो रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। दो दिन हो गए आज, मैंने तो सोचा कहीं कमाई करने गया होगा सुहर, हराम खोर की पता भी तो ना है। आ जा तेरा कुत्ता बनाऊंगी, और चल रोटी बना मैं लिया। अरे सुन सुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों की लड़ाई से तंग होके हम दोनों को छोड़ के चला गया होगा? ये भी एक आगे होगा। अरे सुअर क्या कहा था तू, ये हरामखोर ये बता दे। तुम्ही जोरत अपनी जुबान को बंद रखना, नहीं तो जुबान तेरी कैंची की तरह काट दूंगा। आप कहाँ गए थे? हाथ हटा, हाथ हटा। ये क्या कर रहे हैं? वाली सकल वाली औरत, हाथ हटा। देख ले तुझे चिपकली बोल रहा है। वो भी किसी भैंस से कम नहीं है। लेकिन आप कहाँ गए थे? कुछ चुप, बिल्कुल चुप। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी तो हम आप अपनी औकात भूल गया। कितनी पी रखी है मुझे तो, बदबू चक्कर आ गए। मर जा उन चक्करों को खाकर। अपने आपने दारू पी है? हाँ पी है। ओए बड़े प्यार से पूछ रही है अपने धड़ेले से, अपने दारू पी है? बड़ा अच्छा काम करके आया सुअर। लेकिन आपने दारू क्यों पी? अच्छे पी है। क्यों बताइए ना। चुप, बिल्कुल। क्या कहा वैसे? देख मान क्या कहा, क्या कहा? डंडा उठा के तेरी कमर पे। यही तो मैं चाहता हूँ। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को जंगल बना के फेंक दिया है। पता ही नहीं पड़ती कि मैं पति हूँ या किसी दो भी घाट का कुत्ता। जितना चाहे उतना पीट दो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पूरे गांव में मेरी इज्जत खराब कर दी है तुम दोनों ने। अरे जानता हूं गलती हो गई, शादी तुझसे मेरे माँ बाप ने करा दी, इससे शादी मैंने अपने आप कर ली। मानता हूं गलती हुई है, लेकिन इस गलती की सजा इतनी बड़ी होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो सोचता था एक घर में रहेंगी, दोनों बहनों की तरह रहेंगी, अच्छी तरीके से रहेंगी। कभी तुम दोनों को मैंने प्यार में कभी कोई कमी छोड़ी? बता जवाब। कमी छोड़ी? तू बता कमी छोड़ी? तूने शॉपिंग की कहा तो तुझे मैंने फ्री में शॉपिंग कराई, और तूने शॉपिंग की कहा तो तुझे मैंने फ्री में शॉपिंग कराई। दोनों को साथ ले जाने की कोशिश रखी, हमेशा एकजुट बनाने की कोशिश रखी, लेकिन तुम कुत्ते बिल्ली हो। तू भी बिल्ली, वो वाली बिल्ली जो आदमी की बस मौत नहीं हो रही, उसको नाखून मार मार के बर्बाद करने के चक्कर में रहती हो। और हाँ, आखिरी बार ये गलती आखिरी बार हुई है, अभी तो दो दिन के लिए गायब हुआ था, लेकिन अब अगर तुम दोनों लड़ी तो मैं जीवन भर के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा। हाथ डाले दूर बिल्कुल। और ये रोमांस बार बार रोमांस की कहानी मत लगाया कर तू। आप ही ऐसा मत करना। मशीन नहीं हूँ, घोड़ा नहीं हूँ मैं जो तुम दोनों के साथ बार बार रोमांस करूँ। और तेरे साथ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है किसी हथनी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, है तो क्यूट। थैंक यू। हैं कुछ नहीं, इतना दिल दुखाया मेरा। अगर तुम दोनों ने दोबारा ये नाटक शुरू किया ना, और दोबारा ये रो के मुझे दिखाया, तो मैं बाकी में चला जाऊंगा अंजू। फिर तुझे पूरी जिंदगी अकेले काटनी पड़ेगी। सोच कितना भयानक होगा वो मंजर जब तेरे पास कोई नहीं होगा। रात को तुझे ये घर खाने को दौड़ेगा, तुझे डर लगेगा, तेरे अंदर से आवाज आएगी संजू। जी क्यों डरा रहे हो उसे? मैं तुझे भी डराऊंगा क्योंकि तुम दोनों के चक्कर में मैं पागल हो चुका हूँ। तुझे भी छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं। और तू तो वैसे भी बकरी की तरह है। नहीं मैं तेरी आवाज केवल जैसी भी हूँ आपकी पत्नी हूँ। नहीं है, कोई पत्नी नहीं है। अगर तुम दोनों लड़ोगे तो मेरी तुम दोनों में से कोई भी पत्नी नहीं है। अब मेरा हो रहा है स्लीपिंग टाइम। कब लड़ती हूँ मैं?
मैंने पी है दारू और मैं हो गया हूँ एकदम फुल टाइट और मैं जाऊंगा सोने, लेकिन ना तेरे साथ सोऊंगा ना तेरे साथ, मैं सोऊंगा सामने वाले बिस्तर पर। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तू ना लगती ना ऐसा होता। ठंडक पड़ गई डायन, एक तू और वो सामने वाला बुड्ढा और उसकी बहू, तीनों मेरी जिंदगी में ऐसे नाग बन के आए हो। मन तो ऐसा करता तुम्हारी कांचरी जला के ना किसी जमीन में गाड़ दूं, है ना? तुम दोनों की कांचरी है मैं जला दूंगा, अगर जाना जाके अगर अपने अपने कमरों में नहीं सोई आता हूं नहीं तो डंडा लेके चली जा, नहीं तो फिर पिटेंगे। चली जा अपने कमरे में, कलमू ही कहेगी। आ गया पोतों का दादा। पोतों का दादा? हाँ दादा, तो मैं पोतों का दादा नहीं हूँ। हूँ मैं? मैं ये कह रहा हूँ चाचा जी। तू आ गया तुम्हारा? तेरा तो मंदिर के भोंपू पे वो हुआ था ऐलान कि तू हो गया है। क्या बकवास करते हो, बताओ मुझे मेरी मदद करोगे या नहीं? हैं? नहीं तो मैं किसी और से मदद मांगू। करूंगा। अरे राम, आपसे मैं मदद मांगने मारे क्यों आया हूँ? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, एक ना एक दिन आपको मरना है, वो तो सबको मरना है। मैं क्यों मरूंगा भाई? सबको मरना है। अब आपको मदद मांगूंगा, मेरी क्या करनी पड़ेगी? बता बता। तेरा बाप भी मुझसे मदद लेता था, उसकी भी तीन लुगाई गई, ये समझ ले मदद लेता लेता बेचारा खुद तो गया ही गया, तीनों को भी साथ ले गया। अरे तो जाने दो ना, वो अपने परलोक में आराम से तीनों मेनकाओं के साथ आनंद ले रहे होंगे। अब राम नाम। अरे मेरा तो सुनिए, मेरा तो सुनिए। हाँ हाँ बता बता। वो तो गए, उनकी तो तीन हो गई, उन्होंने तीनों के एंजॉय भी लिए और चले भी गए, है कि नहीं? अब मेरा क्या हो, मेरी दो है क्या है? बिना ढोल की खाल हो चुका हूँ। अरे मैं गिर जाऊंगा। अरे गिर जाने दो, आपसे गिरा हुआ इंसान शायद कोई हो भी। क्या कह रहा है? हाँ अरे अरे सुन लो भाई सुन लो, बिना ढोल की खाल हो चुका हूँ। दोनों बीवियों के पास जाता हूँ तो एक इधर से मार के भगा देती है, एक उधर से। रोमांस के नाम पर दोनों ने घोड़ा बना रखा है। मैं तुझे एक बात बताऊँ? बोलिए। बहुत काम की बात है। बोलिए 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 बोलिए। तीसरी भी शादी कर ले। क्या कह रहा बुड्ढे? तूने क्या मुझे विक्रम बेताल समझ रखा है? मेरी कमर पर कुंद दिखा के बैठा हुआ है। ये कौन सा तरीका कि तीसरी कर लूं? फिर तो और ज्यादा फसल में फंस जाऊंगा, क्योंकि दो तो पहले से ही है। सुन हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन। बोलिए। तीसरी अगर बहू करेगा तू हाँ। वो उसको करना तू और कुटाट हो, और ऐसी लेके आई हो जो बहुत लड़ंकार हो, जो इन दोनों की भी खटिया घड़ी और बिस्तर गोल कर दे। चाचा जी आपकी निगाह में है कोई? मेरे निगाह में? मैं तो ये कहता हूँ आपकी बहू से ज्यादा लड़ंकार कोई नहीं, उसी से ना कर लूं सर। मैं मजाक कर रहा था। और मेरी बहू के बारे में बोला ना तो मेरा पोता तुझे आके ढूंढ देगा। शैतान है वैसे आपकी बहू हैं? लड़ंकोर, मेरी दोनों बीवियों पर भारी पड़ जाती है कभी कभी तो। मेरे पोते कैसे हैं दोनों? पोते तो आपके समझदार हैं। पोते बड़े गोरे होंगे, क्या चक्कर है भाई? मलाई से। मलाई से? मलाई से क्या करते हैं वो? उनकी बहू है, वो टूट के मलाई लगाती है उन पे। अच्छा अच्छा चलो इन सब बातों को छोड़ो चाचा जी, मजाक से हटके मैं बहुत परेशान हूँ। पक्का? कुछ ऐसा तरीका बताइए ना कि इस फसाद की जड़ से मैं कैसे भी निकल सकूं। बता दो। बताइए। कान ला इधर। समझ गया, अभी टेक्निक यूज करता हूं। बिल्कुल। अगर टेक्निक काम कर गई तो आपके लिए दो पोते और। दो पोते मेरी तरफ से, क्योंकि मैं पैदा करूंगा ना। एक बात याद रखिए बच्चा, तेरे पोते मेरे पोतों से ज्यादा मोटे ना होंगे। चलता हूं। उठिए जी। उठिए। उठाई हुआ मैं सोया ही नहीं था तो उठ जाओ ना। दोनों चाय डाल लिया, मुझे सोने का देती हो? अरे तो चाय तो पी लो, तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बना के लाई हूं। आप उठिए मेरी चाय पीजिए। लीजिए इधर आइए मेरे पास, ये मेरी चाय पियेंगे। लो पहले मेरी पियेंगे। नहीं जी अब मेरी चाय पी। पहले मेरी, आप मेरी चाय पियो ना। मेरी बात सुनो देवियों, मेरी बात सुनो। बाबू चाय पी लो पहले। चुप। पहले बाबू की बात सुनोगी तुम दोनों? ना तो मैं तुम्हारी चाय पीऊंगा और ना पीऊंगा मैं तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम दोनों का अब इस घर में बंटवारा हो चुका है। क्या? इसीलिए मैंने दूसरी किचन बनाई तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए दूसरा रूम बनवाया। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं एक और तीसरा रूम बनाने जा रहा हूँ। एक और तीसरी किचन। तीसरा बाथरूम। तीसरी फ्रेश होने के लिए लैटिन। क्यों? लेकिन क्यों? सुन तो लो, क्योंकि अब इस घर में एक और बीवी आएगी।
बहुत ही सुंदर सुशील, तुम दोनों से ज्यादा हरामखोर लड़ंगखोर, तुम दोनों से ज्यादा चांद डालनी जो तुम दोनों पे राज करेगी और मैं उसके साथ सरताज बनूंगा। सही कह रहा हूं मैं? और अब इस घर में यही होगा अगर तुम दोनों ने अगर लड़ना नहीं छोड़ा। और हाँ, मैं तो सच सच बात पूरी बात तो बताना भूल ही गया, कल मेरी शादी है। क्या? तुम भी इनवाइट हो और तुम भी प्लीज खाना खाने जरूर आ जाना। शादी? हाँ शादी। क्या सचमुच? क्या जी आप सचमुच शादी करेंगे? हाँ? मजाक कर रहे हो? नहीं, अरे एक बात बताओ, दो दो पत्नियों के होते सोते छत पर चारपाई डाल के सो रहा है आदमी तो नाराज नहीं होगा, और तीसरी शादी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बात सही है ना? अच्छा हाँ, लेकिन आपको तीसरी शादी करने की क्या जरूरत है? तीसरी शादी करने की ये जरूरत है क्योंकि तुम दोनों हमेशा लड़ती रहती हो, कभी तुम लड़ती हो कभी तुम लड़ती हो, छोटी छोटी बात पर मेरा फालतू में यहाँ पे, मैं तो दोनों तरफ का ढोल बन गया हूँ, तुमसे भी प्यार करता हूँ, प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ लेकिन अब तीसरी से करूंगा। और मैंने तो एक काम तो बताना भूल गया, मैंने प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा तुम्हें और थोड़ा सा तुम्हें और आधा हिस्सा उसका। आधा? हाँ आधा उसे। हाँ आधे में मानिए ना वो। अब क्या भिखारी हो जो हमें थोड़ा दे रहे हो? थोड़ा ही है, अब तुम्हें तो क्या कहते हैं खाई हुई रोटी मिलेगी, फिकी हुई, जैसे कुत्तों को मिलती है ना उसी तरीके की। जी आप ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ तो हो गया, अब तुम डिसाइड कर लो आपस में कि तुम्हें करना क्या है। मैं तो अपनी उस परी के ख्यालों में खोया हुआ हूँ कल जिससे मेरी शादी है। मंजू ये क्या हो गया? सुनो जी। हाँ उठिए बोलो। सुनिए। हाँ क्या ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती? हाँ हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है? हाँ लेकिन फिर कैसे हो? शर्त है उसमें, दोनों को माननी पड़ेगी। सारी शर्त मंजूर है? सारी शर्त मंजूर। पहले शर्त सुन तो ले मोटी। मंजूर है। तू भी सुन ले छिपकली कि शर्त है क्या? क्या? तुम दोनों को इस घर में लड़ना नहीं है, दोनों को बहन बन के रहना है, और जो दोनों किचन है एक किचन को स्टोर रूम बना दो और एक किचन में ही दोनों काम करोगी। और मोटी तू सुन, तू बहुत खाती है ना, आज से खाने का सामान तू ही बनाएगी, खाएगी भी और बनाएगी भी। और छिपकली तू भी सुन, घर के कामों को बराबर बराबर बांट लो दोनों आपस में। खड़े हो जाओ, वो को नीचे रखो और मेरे साथ दोनों खड़ी हो जाओ। हाँ? वचन लो। वचन लेते हैं। मेरे सर पर हाथ रखकर दोनों। आपके सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं? कसम मैं बताऊंगा क्या खानी है, सर पे हाथ रख छिपकली। हाँ रख दिया। वचन लो, कहो हमने वचन लिया है। हमने वचन लिया है, हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, हम अपने पति की सारी बातें बोल, सारी बातें मानेंगे और इनको कभी तंग नहीं करेंगे, इनको कभी तंग नहीं करेंगे। इस घर का सारा काम मिल बांट कर करेंगे, इस घर का सारा काम मिल बांट के करेंगे, और कभी भी शॉपिंग पर नहीं जाएंगे। क्या? अच्छा ठीक है, शॉपिंग पे चली जाना दोनों, लेकिन कभी भी अलग अलग जाने का ताना नहीं देंगे कि मुझे अलग क्यों ले गए, मुझे अलग क्यों ले गए, मैं जैसे चाहे वैसे ले जाऊंगा शॉपिंग पे। बोलो हाँ ठीक है। आओ, सुखी परिवार सारा संसार। और मैं कहाँ हूँ? छत पे। सुन लो, मैं अब पटाख पोते हो गया हूँ। हाँ अरे समझे नहीं? नहीं, वो मेरे पोतों के बच्चे हुए हैं। अरे वाह वाह, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। शाम का बोल ऐसा है, शाम का बुलावा है, दावत हो रही है, घोलवा कुल लड़की। ठीक है ठीक है। मेरी तरफ देखो, इस बुड्ढे के यहाँ कभी मत जाना, दावत खाने चलेंगे तीनों एक साथ, दावत खाके। और इस और सुनो, इस बुड्ढे की बातों में कभी मत आना क्योंकि ये सिर्फ घर बिगड़वाएगा। इसी ने मुझे आइडिया दिया था तीसरी शादी का। क्या? इसी ने आइडिया दिया था मुझे तीसरी शादी का, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है ये। अब लड़ोगी तो नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। दोनों चलो। और काम कर लो, सारे काम पड़े हैं। आपको क्या पसंद है? मुझे गाजर का हलवा। ठीक है ठीक है, हम दोनों साथ मिलके बनाते हैं। गाजर तू छीन ले और हलवा तू बना। ठीक है चल।